क्या है एक ब्राह्मण का धर्म और क्या है उसकी पाक निशानी। पहला यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ। इस यज्ञोपवीत के तीन धागे ब्राह्मण को ऋण की याद दिलाते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। एक बार ब्राह्मण इन्हें धारण कर ले फिर कभी इनसे अलग नहीं होता। ये माला जिसमें 108 मनके हैं ब्राह्मण के लिए बहुत सम्माननीय है, परंतु मातृभूमि के सम्मान से बढ़कर नहीं। और चंदन का ये त्रिपुंड जो ना केवल हमारे धर्म का बल्कि हमारी आस्था का प्रतीक है। चंदन के त्रिपुंड को हम जब चाहें रक्त का त्रिपुंड बना सकते हैं, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, मातृभूमि की रक्षा से पवित्र कोई कर्म नहीं, देश को स्वतंत्र बनाए रखने की इच्छा से बड़ी कोई आस्था। ऋण चाहे जो भी हो, माता का, पिता का, गुरु का या समाज का, देश मातृभूमि के ऋण से बड़ा कभी नहीं हो सकता। मातृभूमि के प्रेम के लिए यह त्याग तो बहुत छोटा त्याग है। कल चाणक्य की मौत एक मिसाल बनी और उसकी आखिरी चीखें सदियों तक पूरे भारत को सुनाई देगी। कल तक्षशिला का हर मर्द, औरत, बूढ़ा और बच्चा इस मंजर को देखने के लिए यहां मौजूद होना चाहिए। जो मेरा नाम मिटाने चला था अब मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। बेशक पोरस मेरे वार से बच गया, लेकिन कल चाणक्य की मौत से मैं उसकी हिम्मत और हौसला तोड़ दूंगा। कहां है वो अलेक्जेंडर जिसने अपने नाम के खौफ से लोगों के जहन में खौफ पैदा किया था? कहां है वो अलेक्जेंडर जिसने पिछले 10 सालों में हर जंग पर फतेह हासिल की, जिसने तुम्हारे रुआब को ललकारा, तुम्हें रुस्वा किया, उसकी सांसें अभी तक चल क्यों रही हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब चाणक्य की सांसें थमे तो ना सिर्फ पोरस बल्कि पूरे भारत के लोगों के दिल खौफ से थम जाए, उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि अलेक्जेंडर के कहर से उन्हें सिर्फ एक आदमी बचा सकता है, तो वो है खुद अलेक्जेंडर।